ओम शांति नमस्कार आज एक नई कविता के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं वर्तमान समय हर व्यक्ति इतना व्यस्त हो चुका है कि वो अपने परिवार में परिवार के सदस्यों को पूरा समय नहीं दे पाता है जीवन में तनाव भी है मुश्किलें भी है किंतु कहीं ना कहीं हमारे जीवन से प्यार चला गया है इसीलिए जीवन एक नीरस बन चुका है तो उसका कारण और निवारण कैसे हो यही इस कविता के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं आइए सुनते हैं कविता का शीर्षक है सुखमय घर संसार दौड़ रहा है जीवन हमारा असीमित रफ्तार से दौड़ रहा है जीवन हमारा असीमित रफ्तार से इसकी गति नियंत्रित कर चलाओ इसे प्यार से इसकी गति नियंत्रित कर चलाओ इसे प्यार से सांस लेने का समय नहीं जाने क्या करते जाते सांस लेने का समय नहीं जाने क्या करते जाते दौलत के लालच में देख लो कितने मरते जाते दौलत के लालच में देख लो कितने मरते जाते अपनों संग बैठने का समय नहीं किसी के पास अपनों के संग बैठने का समय नहीं किसी के पास सब साधन सुविधा पाकर भी मन रहता है उदास सब साधन सुविधा पाकर भी मन रहता है उदास दौर तरक्की का ये कैसा हमारे जीवन में आया दौर तरक्की का ये कैसा हमारे जीवन में आया सब कुछ पाकर भी हमने खुद को अकेला पाया सब कुछ पाकर भी हमने खुद को अकेला पाया आपस में मिलते नहीं कमरे सबके हुए अलग एक परिवार में सभी सदस्यों के अलग अलग कमरे हो गए हैं कोई एक दूसरे से मिल नहीं पाता है या मिलने की इच्छा नहीं है आपस में मिलते नहीं कमरे सबके हुए अलग एक घर में रहकर भी हो गए हम सब अलग थलग एक घर में रहकर भी हो गए हम सब अलग थलग क्या इसको घर कहते हैं क्या इसको घर कहते हैं बात जहां नहीं होती क्या इसको घर कहते हैं बात जहां नहीं होती मन मुटाव की बातें मन मुटाव की बातें हर पल सुइया हमें चुभती मन मुटाव की बातें हर पल सुइया हमें चुभती प्यार रहा ना जीवन में हो गए सब सूखे सूखे प्यार रहा ना जीवन में हो गए सब सूखे सूखे बातों में मिठास नहीं जबान से सब रूखे रूखे बातों में मिठास नहीं जबान से सब रूखे रूखे कुछ तो करना होगा क्या हमें ऐसा जीवन पसंद है जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात नहीं करते हैं मन मुटाव रहता है विचारों में मतभेद है यदि ऐसा जीवन हमें पसंद नहीं है तो हमें अपने स्तर पर इसका परिवर्तन करना होगा तो आइए आगे सुनते हैं कुछ तो करना होगा जो आए जीवन में बहार कुछ तो करना होगा जो आए जीवन में बहार नफरतें खत्म कर भरना होगा जीवन में प्यार नफरतें खत्म कर भरना होगा जीवन में प्यार एक कदम काफी होगा एक कदम काफी होगा ऐसे परिवर्तन के लिए एक कदम काफी होगा ऐसे परिवर्तन के लिए अपना स्वार्थ छोड़कर जीवन जिए सबके लिए अपना स्वार्थ छोड़कर जीवन जिए सबके लिए इसका प्रारंभ केवल इसका प्रारंभ केवल हमें स्वयं से करना होगा इसका प्रारंभ केवल हमें स्वयं से करना होगा स्वार्थ भरे विचारों से हमको पूरा ही मरना होगा स्वार्थ भरे विचारों से हमको पूरा ही मरना होगा निस्वार्थी होकर सबको निस्वार्थी होकर सबको जब सहयोग देते जाएंगे निस्वार्थी होकर सबको जब सहयोग देते जाएंगे बदले में समय आने पर सहयोग हम भी पाएंगे बदले में समय आने पर सहयोग हम भी पाएंगे और कविता की अंतिम पंक्तियां संतुष्टता बनेगी जब अपने जीवन का आधार जितना हमें प्राप्त है उससे अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता संतुष्टता बनेगी जब अपने जीवन का आधार तब ही बना सकेंगे सुख में अपना घर संसार तब ही बना सकेंगे सुख में अपना घर संसार ओम शांति नमस्कार